इतनी ज्यादा भीड़ की आपको सरसों के दाने जैसे लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो जितनी भी नावें लगी थी भीड़ इतनी ज्यादा है कि हम लोग कंट्री नहीं मिल रही है। अब आगे अब भीड़ बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे तो हर जगह तो आप खड़े होने की जगह मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। अभी हाँ जी, मंदिर और गेट से आप देख सकते प्रवेश द्वार निकास द्वार से कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है। आज हम लोग निकल चुके हैं मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने संगम, प्रयागराज संगम गंगा स्नान। और अभी ऋषभ भाई आए हमारे साथ और अभी कल आए हैं, इनका भी एक वीडियो जैसा कि आपने पहले देखा ही था, और फिर ये वही है। और इसके बाद फिर अभी हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अब संगम में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर स्नान कैसे चल रहा है, क्योंकि भीड़ आज बहुत ज़्यादा है और फिर वहाँ निकलेंगे। अभी देखते हैं आपकी जो है पूरा सड़कें जो है जाम हुई है भीड़ से, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आए हैं स्नान करने के लिए। तो अभी ये चलते हैं, शायद आज हमारा भी स्नान बहुत ही मुश्किल से हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, हम लोग बस रास्ते में ही हैं, अभी बहुत दूर है, संगम पहुँचे भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भीड़। इधर पार्किंग एरिया और पार्किंग एरिया और उधर चलेंगे, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, आपको देख कर हिम्मत खसक जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़। अभी हम लोग मेले से बहुत दूर हैं, अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर ये मेला अभी लगा हुआ है, झूले वगैरह, अभी वहाँ पर भी हम लोग नहीं पहुँचे और इतनी ज़्यादा भीड़, ज़्यादा भीड़ है कि अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये इधर बीच से घुस करके अभी हम लोग फाइनल जो है रास्ते को ज्वाइन करेंगे, जो कि बड़े हनुमान जी मंदिर वाला रास्ता है। और हनुमान जी मंदिर, जो कि बड़े हनुमान जी मंदिर है, वहाँ से जो है आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल देख सकते हैं गेट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हनुमान जी मंदिर और गेट से आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार निकास द्वार से कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं बराबर, हम पहुंच चुके हैं घाट पे। और ये रहा जहां हमारा गंगा घाट, और ये देखिए इनका चप्पल भी टूट गया, इतनी ज्यादा भीड़ है। और यहां पर पास में भंडारा जो है लगा हुआ चल रहा है, मैं आपको अभी दिखाता हूं कितना बढ़िया नजारा है यहां। अभी हम लोग घाट पे आ गए हैं, ये है गंगा घाट। जब आप उधर देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, उसके बाद इधर आएंगे तो अभी ये रही नाव, अभी यहाँ से हम चलेंगे स्नान करने के लिए संगम घाट पे। आप देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा भक्तगण आए हुए हैं यहाँ पे, हेलीकॉप्टर वगैरह से निगरानी बराबर जो है रखी जा रही है, तो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो बोले थे जी वहाँ से देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, इसका भी जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यहाँ पे जो जितनी भी नावें लगी थी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम लोग को एंट्री नहीं मिल रही है। अब आगे जा रहे हैं, आगे घाट पे जो नावें लगी हैं कि वहाँ पर एंट्री मिलती है कि नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नावों की, वो जगह नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता। अभी आप देख सकते हैं हम इधर आए संगम घाट पे, आपको भीड़ दिखाते हैं, बिल्कुल जनता जन सैलाब आए, सैलाब को आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ कि आपको सरसों के दाने जैसे लोग दिख रहे होंगे, और अभी भी लोग आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो नावन हो गया है, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है नहाने के लिए यहाँ पे, अब भीड़ बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे तो हर जगह तो आप खड़े होने की जगह मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग नहा चुके हैं, अब यहाँ से आगे निकलेंगे। ऋषभ भाई के चप्पल का आप हालात देख सकते हैं, ये ऋषभ भाई का चप्पल जो खड़ा बन चुका है, यहाँ पे अनाउंसमेंट लगातार सुन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने परिजनों से बिछड़ जा रहे हैं। और इस चीज को देखिए आप लोग, आइए तो हाथ पकड़ के चलिए, साथ में रहिए, और लगातार अनाउंसमेंट चल रही है, बिल्कुल भी हर सेकंड हर समय जो है आप देखेंगे तो कोई ना कोई अनाउंस कर रहा है, बच्चे बिछड़ रहे हैं, लोग बिछड़ रहे हैं अपनों से, तो इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पर देखिए ये संगम टावर है, और यहाँ पर अगर आपका कोई परिचय छूट गया तो यहाँ पर आकर आप अनाउंस करवा सकते हैं। बस चल रहे हैं, और फिर भी अगर आप देखें तो अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं।
यहाँ पर कांटों की शैया पर यहाँ पर एक बाबा जी आप देख सकते हैं लेटे हुए हैं। पूरी शैया जो है कांटों की है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं अक्षयवट मंदिर से, और अक्षयवट अभी बंद है, इस मेले के लिए शायद बंद कर दिया गया अक्षयवट को। अब इसके आगे हम आगे हनुमान मंदिर से गुजरेंगे और फिर वापसी करेंगे। देख सकते हैं अक्षयवट जो है बंद है, यहाँ से प्रवेश वर्जित है। मुख्य मंदिर जो है बंद किया गया इस साल, और इधर से आगे चल रहे हैं हनुमान मंदिर की ओर। हनुमान मंदिर पे आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है। आज अगर दर्शन करने को सोचे हैं तो लगभग वो शाम हो जाए फिर भी दर्शन ना हो पाए, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। भंडारे की लाइन में लग चुके हैं, भूख लगने की वजह से हम लोग फिर यहाँ पर आए भंडारा खाने के लिए, क्योंकि स्नान के बाद अब भूख लग चुकी है। वो देखो, और देखिए पुष्प वर्षा लगातार जो है यहाँ पे हो रही है, लगातार जो है आसमान में हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है फूल बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग काफी लेट हो गए, नहीं तो हलवा छूट गया, इस वजह से अब खिचड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर हनुमान मंदिर से, बड़े हनुमान जी मंदिर से भंडारा खा के प्रसाद लेकर अब यहाँ से वापस चल रहे हैं। चढ़ाई है और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, पैरों में दर्द है, और बहुत जल्दी जो है मेले से बाहर निकलेंगे। फिर चल रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, ये देखिए एक दूसरे को पकड़ कर ही चल रहे हैं ताकि कोई छूट ना जाए बीच रास्ते में। लोग मेले के पास से गुजर रहे हैं जहाँ भी झूले वगैरह चल रहे हैं, शाम को आएंगे तो झूले वगैरह झूलेंगे मेले में, आपको दिखाएंगे, क्योंकि रात में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी हम लोग वापसी पे हैं और रास्ते में वापस चल रहे हैं, और भीड़ के बारे में बताने में आपको ज़रूरत कोई है नहीं। वापस आ चुके हैं मेले से बिल्कुल वापस आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन हमने स्नान किया, और इस पावन अवसर पर जो है वापस आ चुके हैं हम स्नान करके, दर्शन करके। अब तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय, जय गंगा मैया की।